मुजफ्फरपुर में स्कूल से लौट रहे बच्चे का अपहरण कर लेने का मामला भी सामने आया है। पूरा मामला जिले के अहियापुर थाना इलाके के भीखनपुर का है, जहां पर बच्चा एक निजी विद्यालय में तीसरी कक्षा में पढ़ता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी मामले की जाँच में जुट गए हैं। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार के साथ अपहरण किए छात्र की तस्वीर भी कैद हुई है। अपहरण किए गए छात्र के पिता का कहना है कि उनका पुत्र निजी स्कूल के वैन से हर रोज घर आ जाता था, लेकिन सोमवार को छुट्टी होने के बाद भी वो घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल वैन चालक से फोन पर बातचीत की तो छात्र सुलभ को ड्रॉप करने की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन बच्चे को खोजबीन करने लगे। काफी खोजबीन के बाद जब सुलभ को कोई सुराग नहीं मिला है तो परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए थाने में अपहरण का मामला भी दर्ज करवाया, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल बच्चे का सुराग नहीं मिल पाया है। तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है ये पूरी वारदात। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, साथ ही तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज से सामने आई है। कैमरे में बच्चा दिखाई दे रहा है एक शख्स के साथ। तो पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप है, बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। तो मुजफ्फरपुर का ये पूरा मामला है, और साथ ही हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, अपहरणकर्ता की तस्वीर भी कैद हो गई है। तो स्कूल से लौट रहे बच्चे का अपहरण किया गया है। वो पैगविन पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, जैसे उसका टाइमिंग था 3 बजे घर डेली आ जाता था। तो आज क्या हुआ कि वो 3:30 के करीब तक वो घर नहीं पहुंचा, तो हमारे घर से कॉल गया कि अभी तक बच्चा नहीं आया है। फिर हम ड्राइवर को कॉल किए कि भाई कहाँ है, ये अभी तक ड्रॉप क्यों नहीं किए। तो ड्राइवर ने बोला कि नहीं, हम तो ड्रॉप कर दिए हैं बच्चे को, कि जहाँ छोड़ते थे वहाँ पे हम उतार दिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसको ढूंढना चालू किए, तो लगा कि नहीं, बच्चा तो हमें मिला नहीं। क्या चीज़ से आता था यहाँ? वो वान थी, स्कूल वान, उससे ड्रॉप होता था। हाँ, भीखनपुर पंचायत के अंतर्गत एक बच्चा स्कूल से 3 बजे आया है, और हम लोग वहाँ फुटेज देख रहे हैं। तो बच्चा जो है बाइक में दो लोगों के साथ बैठ के जा रहा है। अभी तक फुटेज के हिसाब से जो प्रतीत हो रहा है कि वो लोग बच्चे के पूर्व परिचित हैं, क्योंकि बच्चा आसानी से उनके साथ जा रहा है, ऐसी सूचना हम लोगों को आई थी। उसी मामले को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं यहाँ पर आके। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मणितोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मणितोष, क्या कुछ जानकारी, पूरा मामला क्या है? मणितोष, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचवा रहे हैं, सीसीटीवी में अपहरणकर्ता की तस्वीर भी कैद हुई है, अपहरण की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर का यह पूरा मामला है, स्कूल से लौटते वक्त ही बच्चे का अपहरण किया गया, जो जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल इसको लेकर जांच जारी है। बांका के धोरैया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी करके एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पिस्टल, मैगजीन और 5 जिंदा